मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली लौकी के पराठे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। जनरली बच्चे हेल्दी वेजिटेबल्स खाते नहीं, उनमें से एक है लौकी, तो लौकी खिलाने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आइए देखते हैं ऐसे हेल्दी पराठे के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने लिया है लौकी, ये अराउंड हाफ के जी है। उसके बाद मैंने दो हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो तीन लहसुन, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके मैंने इसे दरदरा पीस लिया। उसके बाद धनिया पत्ती, एक कटोरी गेहूं का आटा, नमक, हाफ स्पून इंग, हाफ स्पून चिल्ली फ्लेक्स, एक स्पून तिल्ली, हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून काली मिर्च पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर और हल्दी। सबसे पहले मैंने लौकी को छिल के काट लिया है, काट के मैंने खिस रही हूँ। खिस के अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक बाउल में। बाउल में निकाल के बारी बारी से मैं सारी चीज़ें डालूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है बारीक कटा धनिया पत्ती, फिर उसके बाद हाफ स्पून जीरा, एक स्पून तिल्ली, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है कुटी काली मिर्च। कुटी काली मिर्च के बाद मैंने इसमें डाला है एक स्पून धनिया पाउडर और हींग। हींग के बाद अभी मैंने इसमें डाला है हल्दी। हल्दी डालकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। इसका आटा बनाते समय हमें इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि लौकी में जैसे आपने नमक डाला है वो पानी छोड़ेगा और उसी पानी से हमारा आटा गूंथ के रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक कटोरी गेहूं का आटा डाला। ये डिपेंड करता है कि आपकी लौकी में कितना मॉइस्चर है, उसमें से कितना पानी निकलेगा। अब मैंने इसमें डाला है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसका एकदम सॉफ्ट आटा बना लिया है। आटा यहाँ कम या ज़्यादा लग सकता है, डिपेंड करता है लौकी में कितना मॉइस्चर है। अब मैंने आटे की लोइयाँ बना लिए। लोइयाँ बना के मैं इनको साइड में रख रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे आटे के गोले बना लिए। गोले बना के अब मैं इनको बेलूँगी। ये लौकी का पराठा बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ कोई चीज़ साइड डिश सर्व ना करो तो भी बहुत टेस्टी लगता है। बट मैंने इसको सर्व किया दही के साथ। आप चाहो तो इसे अचार या फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो। अभी मैंने एक आटे का लोई लिया है। लोई लेके मैं इसको बेल रही हूँ। बेल के मैंने पहले इसे गोल बनाया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल या घी, और चॉइस करता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको जो डालना है आप वो डाल सकते हैं। अब मैंने इसे फोल्ड करके मैं इसे स्क्वायर शेप में पराठा बना रही। आप चाहे तो इसे गोल भी बना सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो, जैसे आपके बच्चों को पसंद है। वैसे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट शेप में पराठे बनाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसको पराठा बेल लिया है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे पराठे बेल लूँगी। ये लौकी का पराठा बहुत ही टेस्टी है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हो। जनरली हम लोग पराठे तो रोज़ ही बनाते हैं। अभी मैंने तवा रखा। तवा जैसे गर्म हो गया इसके ऊपर मैंने डाला है पराठा। पराठा डाल के अब मैं इसको ऊपर नीचे पलटते हुए अच्छे से सेकूंगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। जनरली हम लोग पराठे रोज़ बनाते हैं, चाहे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हो या ब्रेकफास्ट के लिए हो। हम लोग प्लेन पराठे बनाने की बजाय उसमें वेजिटेबल ऐड कर दो, हेल्दी वेजिटेबल, जो बच्चे ऐसे नॉर्मली खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो पराठे हेल्दी भी हो जाते हैं और बच्चे सारे वेजिटेबल भी खा लेते हैं। अभी पराठे को मैंने पलटते हुए ऊपर नीचे सेक लिया है। ये पराठा आप लंच बॉक्स में तो दे ही सकते हो, साथ में आप कहीं जर्नी में जा रहे हो तो वहाँ भी बना सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहता है और इसका टेस्ट भी नहीं बिगड़ता है। अभी मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है। सेक के मैं इसको निकाल रही हूँ। निकाल के इसी तरीके से मैं सारे पराठों को सेक लूँगी। हमारे बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट हेल्दी पराठे बन के रेडी है। आप भी इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी सजेशन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, तो प्लीज़ आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। अब बात करते करते हमारे पूरे पराठे बन गए हैं। मैं इन्हें निकाल रही हूँ। निकाल के अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ दही के साथ। हमारे बहुत ही टेस्टी यम्मी पराठे बन के रेडी है। थैंक यू।